कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज वट सावित्री है, मैंने भी व्रत रखा है और आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वापस आई हूँ। आप लोग बहुत बोलते हो कि ब्लॉग बनाओ, पर अभी कुछ ऐसे बन नहीं पा रहा है। मैं देखूँगी कुछ टाइम बाद, शायद कंटिन्यू आ जाऊँ यूट्यूब पर। और मैं अभी रुद्रपुर में हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही थी और अभी अभी थोड़ी देर पहले ना काफ़ी बारिश हुई है, तो बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है, कितनी गर्मी हो रही है बताना कमेंट में। और ये जो पूजा है ना वट सावित्री की, आज थोड़ा सा देर में इसका शुभ मुहूर्त है, 2 बजे के बाद शायद। तो जो मेन पूजा होती है वो वट के वृक्ष के साथ में होती है, वट के वृक्ष के पास में। तो 2-2.5 बजे मैं वहाँ जाऊँगी और आपको भी लेके चलूँगी। आप आएंगे मेरे साथ? तो आ जाइए। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें ना अलग अलग साइन दिए होते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे संख का बना होता है। मेरी मम्मी ने मुझे जैसे बताया, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये जो संख होता है ना, इसका मुँह हमें ऊपर को रखना है, मतलब सुलटे तरीके से संख को रखना है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें इसका जो एक कॉर्नर है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। ये हमने फोल्ड कर लिया, ये हमारा कुछ इस तरीके का बन गया आएगा। और इसको हमें हमें यहाँ पर टक कर देना है इस तरीके से। ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको पकड़ के हमें अपने राइट साइड, जिस साइड हम अपना पल्लू डालते हैं, उस साइड लेके जाना है और इस तरीके की चुन्नट बनानी है। ये देखिए, इस तरीके की चुन्नट बनानी है। और इसे यहाँ पर हमें टक कर देना है, यहाँ पर हमें पिन लगा देनी है। ये मैं आपको जो मेन तरीका है, जो हमारे बहुत सालों से चलते आ रहा है। अभी क्या है ना कि फैशन के हिसाब से सब लोग अपना अलग अलग पहनने लग गए, कुछ लोग इधर से डालते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ये जो स्टाइल है ये बहुत पसंद है। और क्योंकि ये हमारी एक विरासत है, हमारी धरोहर है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। ये जो पिछौड़ी है बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये वाला स्टाइल देख, आपने देखा होगा मैं यही स्टाइल में पहनती हूँ, क्योंकि यही जो स्टाइल है, ये मेन स्टाइल है इसको पहनने का। बहुत पुराने ज़माने से ये चल के आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ। अगर आपको और भी जानने होंगे कि किस तरीके से पहनते हैं, तो फिर मैं उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन जो परफेक्ट स्टाइल है वो ये है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी मैं जा रही हूँ पूजा के लिए, बहुत तेज़ धूप लग रही है। साथ में 2 लोग और आ रहे हैं हमारी कॉलोनी से, तो साथ में ही जाएंगे। मंदिर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो मंदिर में जाके कर एकत्रित किया। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा कि हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं।
तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे तो राजा कोई दिख नहीं रहा। आओ ट्रेन बनाओ। लेगा कौन फोटो? फोटो आप लोगे? इधर देखो पहले। हाय बोलो। यहाँ पे जो स्टोरी है इनको दे दे, इससे दबानी है, ठीक है? ये भी डबल बननी है। ये व्हाइट वाले से खींच जाएगा। करके मैं घर पे आ गई हूँ और जब से आई हूँ ना मैं ऐसे बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत गर्मी है ना यहाँ पे इसलिए। और आप बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइबर तो कुछ मेरे बढ़ नहीं रहे, बहुत टाइम से 7,000 पे अटके हुए हैं। फटाफट अगर सोच रही थी 10,000 हो जाते तो फिर मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट करती, वो आपके ऊपर है। अगर आप लोग को चाहिए कि डेली ब्लॉग आए तो प्लीज़ 10,000 कर दो फटाफट। और थैंक यू, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच।